सोनभद्र से रेणुकूट की है। सोनभद्र रेणुकूट जब पूरा देश कोरोना वायरस से परेशान है, तब सोनभद्र जिले के रेणुकूट हाईकोर्ट बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे कर्मचारी द्वारा उनके घरों पर नोटिस चिपकाना शुरू किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें नोटिस बगैर किसी सूचना के दिया गया और 7 दिनों के लिए खाली करने के लिए कहा जा रहा है। हम जाएं तो जाएं कहां? इस वक्त हमारे बच्चों का परीक्षा चल रहा और हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि रेलवे लाइन बनने के लिए जगह लेते तो हम दे देते, लेकिन एक प्राइवेट संस्था हिंडाल्को और हाईटेक में जाने के लिए रोड के लिए रास्ता हमारे घरों को तोड़ते हुए निकाल रहे हैं, जहां हम लोग कई वर्षों से घर बनाकर पूरी गृहस्थी संभाल रहे हैं और मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। रेणुकूट सोनभद्र से शिव नरेश की रिपोर्ट। यही है कि हम लोग का सर झोपड़ी टूटने वाला है, वही अथी लग रहा है। नोटिस नोटिस दी गई है जी, क्या दिया गया? नोटिस नहीं है, रेलवे का नहीं है सर, वो रोड के लिए नोटिस दिया जा रहा है कि रोड निकालना है हाईटेक का और हिंडाल्को का। ये किसने कहा कि हाईकोर्ट रोड निकालना है सर? वही लोग अभी बोल रहे थे कि हमको रोड निकालना है इधर से, रोड नहीं बनेगा जी। सर जी, वो जो अधिकारियां हैं उनका कोई बिल्ला उल्ला भी नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं Star 7 TV News और मैं मौजूद हूँ हाईटेक रेणुकूट सोनभद्र में। यहाँ उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे कर्मचारी यहाँ इनके घरों में अचानक नोटिस चिपकाने आ गए। ये क्या मामला है पूरा हम इन्हीं से जानेंगे, यहाँ कुछ लोग हैं। तो मैडम, आपका नाम? नाजिया। क्या है, क्यों आपके यहाँ नोटिस चिपका गया है? सर ये यहाँ पे हिंडाल्को यहाँ का रेलवे कोई नोटिस नहीं चिपकाया है, यहाँ पे हाईटेक और ये हिंडाल्को आदित्य बिरला है कंपनी, वो अपने फायदे के लिए अपना व्यवस्था केमिकल वगैरह से पहुंचाने के लिए यहाँ के गरीबों का एक नहीं सैकड़ों बस्ती यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, इधर से लेकर के उधर पूरा। तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट है और आपसे हजूरी विनती है हम लोगों का कि हम लोगों का गरीबों का घर ना उजाड़ के, या तो अगर उजाड़ना है तो हम लोग को व्यवस्था दें अपना हिंडाल्को चाहे हाईटेक, हम लोगों को पूरी व्यवस्था दें, नौकरी दें, रूम दें रहने के लिए, अपना मुआवजा दें, हर एक चीज, बस यही रिक्वेस्ट है। और ये रही बात रेलवे की, अगर हम लोग रेलवे के बगल में है जरूर, हम लोग रेलवे के बगल में आज 1 साल नहीं 2 साल नहीं 50 साल होने चला, तो रेलवे से ये वो नहीं है। हाँ, रेलवे वाले हम लोगों से जब घर बनवाना हुआ तो पैसा हम लोगों से लिए, और अब जब अब बना लो, और जब सब कोई अपना अपना रूम झोपड़ी मजदूरी कर करके इकट्ठा खून पसीना बहा आके सब अपना किया है, तो अब वो लोग चाह रहे कि हम लोग अपना घर तोड़े, तो हम लोग से ये नहीं हो पाएगा। महीना पहले 30-30 हजार रुपया 3 महिला से 30-30 हजार रुपया लेकर बोला कि आप लोग बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और तीसरे महीना पैसा लेकर चौथैया महीना में बोल रहा है कि हम लोग डोजर गिराएंगे। ये बताइए हम लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए? नोटिस बोल रहे हैं घर में आज आज आए थे, अभी क्या कह रहे थे प्रसाद? नहीं खाली करेंगे तो हम सुता करके डोजर चला देंगे। हम लोग बोले ठीक है भाई चला दो, बाल बच्चे मान लो के अंदर नोटिस दिए रूम खाली करने के लिए, चलाने के लिए डोजर। चौथा महीना में 30-30 हजार रुपया लिए सारे घर वाले से, उस दिन क्यों नहीं बोले रेलवे क्यों नहीं बना दे? डोजर चलाने की बात तो हुई हुई कि गरीबों के ऊपर, उन लोगों का लास्ट के ऊपर भी हम लोग अपना गाड़ी चला के यहाँ से रोड निकालेंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ क्या कर लो? रेलवे की तरफ से रेलवे को नोटिस मिला है, 1 हफ्ता के लिए दिए है कि 1 हफ्ते के बाद आप लोग खाली कर। क्या नाम है आपका? दीपचंद उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? हम जौनपुर के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहीं पर रेलवे हाईटेक रेलवे। कितने साल से रहते हैं? 15 साल से। 15 साल से आप यहीं रहते हैं? ये बच्चे पढ़ते हैं? हाँ सब पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हो? डिजिलिस मेमोरियल स्कूल में पढ़ते हैं। ये क्या 7 दिन में आप लोग ये जगह खाली कर पाएंगे रेलवे के द्वारा? नहीं सर, नहीं सर। ये बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? क्या किया जाए सर, दे दिए कागज तो भाई लेना पड़ेगा जो दिए। ये रोड क्या रेलवे लाइन डालेगी यहाँ से? हाँ रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के लिए डाल रहा है, कई और निजी फायदे आए। वो लोग बोले कि तोड़ के हम लोग यहाँ से रोड निकालेंगे, एक हिंडाल्को के लिए एक हाईटेक के लिए। ये हाँ रेलवे वालों ने कहा? नहीं, जो अधिकारी लोग आए हैं रेलवे के अधिकारी वो लोग नहीं है। रेलवे के ही दौरान नोटिस दी गई आप लोगों को? रेलवे की नोटिस होती तो उसपे रेलवे का बैच नंबर हर चीज ना होता, जो प्रशासन है उसका बैच ना है, ना कोई नंबर है, ना कुछ भी नहीं है। और दीपक नोटिस दी गई कहाँ है? वहाँ लोग खड़े हैं, साटा हुआ है, देखिए साटा हुआ है। हम लोग का घर पे माता जी बिमला देवी कहाँ की रहने वाली है? यही है मेरा। हाँ आप कितने वर्ष से? हम लोग 30 तक रह रहे हैं। 30 साल से यही है बसे हैं। हाँ आपका कोर्ट पड़ता है? हाँ पड़ता है जी।